सारी मेहरबानियां उनकी हैं नेदरलैंड की, उसके बाद सऊदी अफ्रीका ने भी हम पे हाथ रखा है थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, दोनों टीमें जीतें, अपना बीट करें, परफॉर्म करें और इस तरह से आगे आएंगे तो फिर बात अच्छी लगती है। मज़ा आना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए मैच के अंदर, एवं मज़ा नहीं आता। अच्छी की बात है, ये तो पहुँचा नहीं पहुँचाया गया है, पहुँचाया गया ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुद अभी पता चला पहुँच कैसे गया मतलब नहीं हो रहा था जब नेदरलैंड के जीतने की वजह से तो पाकिस्तान पहुंचा। हमें नेदरलैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसमें पाकिस्तान का वैसे कोई ज्यादा कमाल नहीं है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमनाद रेडियो वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात और बहुत मजेदार सी न्यूज, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। वल्लाह वल्लाह, वाकई में वी कांट इवन बिलीव इट, क्योंकि पाकिस्तान में जब क्रिकेट T20 चैंपियनशिप शुरू हुई थी, वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तो इट वाज नॉट इवन ट्रस्टेड कि पाकिस्तान सेमीफाइनल्स तक पहुंच सकेगा और पाकिस्तान वुड कम अप टू सेमीफाइनल्स। लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई और इस तरह से जो है बाउंस बैक किया पाकिस्तान ने। पहले दो मैचेस में पाकिस्तान ने जो थ्रिलर मैचेस थे वो हम सब ने देखे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर थी, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही कम नैरो मार्जिन के साथ जो है पाकिस्तान हार गया। उसके बाद जिम्बाब्वे के मैच में भी यही हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बाउंस बैक और फॉर्चुनेट, हम इसको जरूर कहेंगे कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान सेमीफाइनल्स पर पहुंच गया है। तो अब जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक में कितना ज्यादा जो है एक्साइटेड है पाकिस्तानी पब्लिक सेमीफाइनल्स को लेकर। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? शाज़ेद। आपका? अजमल। आपका जी? मेहरान अली। मेहरान सर, ओके जी, आज आपको सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गया, बड़ी खुशी की बात है, ये तो पहुंचा नहीं पहुंचाया गया है। पहुंचाया गया है, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचाया गया, क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुद अभी पता चला पहुंच कैसे गया है ना, मतलब हमने मैच देखने बंद कर दिए थे, छोड़ दिया मैच देखना। हमने तो उस दिन यकीन ही नहीं हो रहा था जब नेदरलैंड के जीतने की वजह से तो पाकिस्तान पहुंचा। हमें नेदरलैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसमें पाकिस्तान का वैसे कोई ज्यादा कमाल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान के पहले दो मैचेस देखे तो लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान, मतलब हम लोगों ने मैच देखने बंद कर दिए थे, टीवी बंद कर दिया, हमने कहा बस अब पाकिस्तान के हाल में कुछ भी नहीं है, वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ, तुम लोगों के बस का काम ही नहीं है सेमीफाइनल में जाना। तो अब क्या कहेंगे? ये नेदरलैंड में भी एक किस्म का ना पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट वाला रोल है। बिल्कुल ठीक है, बैक द स्टेज जाके क्या कहेंगे सर, सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया है। बहुत ज्यादा लोग कह रहे थे कि मतलब साउथ अफ्रीका से जब इंडिया हारा तो उस वक्त तो हम लोगों ने कहा कि बस अब तो बैग पैक कर लो आप लोग, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल तक हम लोग पहुंच गए, क्या कहेंगे आप? और उसके बाद आज का जो मैच था, आउट ऑफ नो वेयर बांग्लादेश से हम जीत गए, मतलब समझ ही नहीं आया। अब सेमीफाइनल में इनको चाहिए कि बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए, हाँ, और उसकी कोई तैयारी करें, ठीक है, बिल्कुल। और इस लड़का जो वो अच्छा खेल रहा है, हाँ, उसको ओपन करवानी चाहिए इनको। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है जी। आपको क्या लगता है अब टॉप ऑर्डर में कौन आना चाहिए? हारिस को और फहर जमान को आना चाहिए, रिजवान को, फहर वापस आ गया, फिर रिजवान को और हारिस को आना चाहिए, बाबर को वन डाउन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि सेमीफाइनल्स में इंडिया भी है और अगर दोनों क्वालिफाई करके फाइनल्स में पहुंच जाते हैं तो कैसा थ्रिलिंग मैच होने वाला है? दाना हंसता ऐसा हो जाए, क्योंकि ये तो पहले ही इतना प्रेशर दोनों टीमें ले जाती हैं, अगर पूल मैच भी हो तो पहले मैच का आपने देखा था कितना प्रेशर है और उस पे तो डबल होगा, कौन नैरो मार्जिन से जीतते हैं फिर, बस सोने पे सुहागा हो जाएगा ये तो, दोनों ज्यादा डबल प्रेशर हो जाए, एक तो फाइनल का प्रेशर और दूसरा इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर, और क्योंकि वो पूरे पाकिस्तानी जिसको मैच में इंटरेस्ट नहीं भी है वो भी देख रहा था। क्या कहेंगे आप कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर फाइनल होता है तो कैसा दंगल होगा? इंशाल्लाह ये जो पिछली हार है ना उसका मजा उन्हें चुकाएंगे फाइनल में। बिल्कुल, मुझे ये बताएं ट्रॉफी किसकी है? इंशाल्लाह पाकिस्तान की। पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने तो परफॉर्म ही नहीं किया, पाकिस्तान की ट्रॉफी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ऐसी टीम है जिस तरह की मुहालफ टीम हो ये भी उसी तरह के हो जाते हैं, जस्ट चाइना के मिसाइल की तरह किसी टाइम भी चल सकते हैं। कभी भी चल सकते हैं, कहते चले तो शाम तक ना चले तो चांद तक, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच, हमारे साथ सर मौजूद थे, उनका ओपिनियन जाना, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नासिर। नासिर साहब, क्या हालचाल है, मिजाज कैसे हैं? आप सुनाएं। ठीक, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सर, आज आप जानते भी होंगे पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गया है, क्या कहेंगे? अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था और फॉर्चुनेट था, और मैं इसको लकी कह सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, कि अक्सर हम वो मीम्स भी देख रहे हैं उसमें कि यार पाकिस्तान की गाड़ी आ रही है और हाँ, बाकी सारे साइड लाइन हो गए हैं, हाँ,
तो एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार अल्लाह की तरफ से एक चीज है जो इनको फेवर मिल रही है, लेकिन ये इस फेवर को ना ये यूटिलाइज करें, ऐसी नहीं कैसे। अच्छा, शुरू में अगर जब हम परफॉर्मेंस देखे T20 की, तो पाकिस्तान तो हम लोग कह रहे थे वापस आ जाओ, लोगों ने उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी कि हमारा तो है ही नहीं, लोगों ने दूसरी टीम्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान आउट ऑफ नोवेयर सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब क्या लगता है कि पाकिस्तान क्या ट्रॉफी लेकर आएगा? परफॉर्म करेंगे तो निकल जाएंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो जिस तरह पहले पीछे रहे उसी तरह रह जाएंगे। दुआओं के सहारे आगे बढ़ना है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि यार इनको आगे आना चाहिए। कम्पीट करें, परफॉर्म करें और इस तरह से आगे आएंगे तो फिर बात अच्छी लगती है। और एट द डे एंड हम लोग भी ये कहते हैं यार फखर से कि यार हमारी टीम ने अच्छा खेला है। ये नहीं कि यार इनको दुआओं की जरूरत है, हर वक्त ये दुआओं वाले हैं, इनको दुआएं करेंगे और ये करेंगे। बाकी टीमें भी तो हैं, इंडिया को देखें, वो लोग परफॉर्म करते हैं बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में, हर चीज में वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की ही बात कर ले तो इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो एक्सपेक्टेडली खेलती है, मतलब हमें पता होता है कि यार ये प्लेयर चलेगा ये प्लेयर नहीं चलेगा, और वो ऐसा ही होता है और एक्सपेक्टेशंस पे पूरा होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की जिस पर उम्मीद हो वही नहीं खेलता, बस ऐसा क्यों है? वो प्रेशर ले जाते हैं। ऐसा इसलिए कि हम लोग जो है ना एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेते हैं। और नॉर्मली तो हम लोगों को यही एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, हर बंदा जब फील्ड में आता है काम करता है नॉर्मली अपनी लाइफ में, तो उसको ये बताया जाता है यार कि यू डोंट नीड टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। ठीक है, तो हम लोग थोड़े इमोशनल और जज्बाती कौम है, हम उम्मीदें लगा बैठते हैं कोई थोड़ा सा अच्छा कर ले। लाइक घर के अंदर अगर आप देख लेना कोई बंदा सही काम कर रहा हो ना, घर को सपोर्ट कर रहा हो, तो सारे उससे उम्मीदें लगा देते हैं। छोटे भाई, बाकी जो भाई होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं माँ बाप भी। तो लाइक वाइज यहीं पे भी, यहाँ पे भी यही सीन है कि लोग जो है ना। अच्छा, चलो मुझे ये बताए कि अब सेमीफाइनल्स के अंदर इंडिया भी है, अगर इंडिया और पाकिस्तान का दोबारा से टाकरा होता है तो कैसा, मतलब ड्रास्टिक मैच होने वाला है? क्या आपको लगता है पावर प्ले होगा, किस तरह का मैच होगा? क्योंकि बहुत थ्रिल करता है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। इंडीड, कहना तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है, वो दो एक नेशनलिटीज हैं, जो कि जिस तरह हम पाकिस्तान और इंडिया अपोनेंट हैं एक दूसरे के, तो वो भी इसी तरह लोग हैं। तो मजा तो आता है, लेकिन ये कि परफॉर्मेंस होनी चाहिए ना, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स होना चाहिए, जो आजकल नजर आ रहा है। प्रीवियसली हम देखते थे यार कि उनकी तरफ से भी सम टाइम मतलब झगड़ा वगैरह इस तरह की चीजें होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि यार सफाई कूल हो जाओ आप और बिल्कुल चिल माहौल में और ठंडे माहौल में खेल रहे हो। थोड़ा सा मजा आना चाहिए, थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए मैच के अंदर, एमए मजा नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। अब्बास, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गया T20 वर्ल्ड कप में, कोई उम्मीद नहीं थी बिल्कुल, कोई यू नो फॉर्चुनेटली हम इसको कह सकते हैं, वरना लग बिल्कुल नहीं रहा था, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा, ये सारी मेहरबानियां उनकी हैं, नेदरलैंड की, उसके बाद सऊदी अफ्रीका ने भी हम पे हाथ रखा है थोड़ा सा, बाकी अल्लाह के करम से। बाकी ये तो हारने वाले थे आज भी, बस ऐसे ही स्कोर पूरा कर दिया मोहम्मद हारिस से, ब्रिलियंट खेले हैं वो आज, कमाल कर दिया उन्होंने, वो 30 रन बनाए जो उसकी वजह से जीते हैं। इनफैक्ट हम हारे हुए थे मैच पक्का, वो 30 रन उसके और आखिरी में जो शान मसूद ने जो दो तीन चौके मार दिए उसने हमें मैच जिता दिया और पहुंच गए सेमीफाइनल में। अब देखिए आगे क्या होता है, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान पहुंच तो गया है, आगे फिर इंडिया खड़ा है, तो क्या लगता है कि अब जो मैच होने वाला है सेमीफाइनल्स में वो कैसा होने वाला है, कैसा दंगल होगा? जैसा पहले पाकिस्तान और इंडिया का दंगल था, बहुत थ्रिलिंग मैच था, बहुत नैरो मार्जिन था, और मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान ही जीतेगा, तो क्या कहेंगे? यही कहना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो, दोनों टीमें जीतें अपना अपना मैच, और इंशाल्लाह हम क्या नाम है ग्राउंड का, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, उसमें हम मैच देखें इंशाल्लाह, और वैसे जैसा पहला मैच था उसी तरह का मैच हो, हंस के मजा आए, जीतने का भी मजा आए, और हार गए तो फिर अल्लाह मालिक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताया कि क्या लगता है कि पाकिस्तान की मतलब अगर T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो कैसी परफॉर्मेंस रही है, ओवरऑल अपने खिलाड़ियों को कितना सपोर्ट करेंगे? ओवरऑल बॉलिंग कमाल की रही है हमारी, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट, बैटिंग में थोड़ी सी वीकनेस है इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि आगे वाले दो मैचों में इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह भी अच्छा करेंगे और फाइनल जीत के घर आएंगे। अच्छा जी, मुझे ये बता दें अब्बास, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, वो बड़ा ही थ्रिलिंग मैच होता है, मतलब कोई भी एक सेकंड के लिए भी ना जो है अपनी पलके नहीं झपक रहा होता, तो क्या कहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच अब होने वाला है और जो पीछे हुए है, आखिर वो इतने ज्यादा थ्रिल क्यों करते? बस लोगों का जुनून है, प्यार करते हैं क्रिकेट से, मोहब्बत से, नेशन से अपने अपने, वो अपने नेशन से प्यार करते हैं, हम पाकिस्तान वाले हैं, पाकिस्तानी हैं,
हम अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। अब देखें क्या जो क्रिकेट टीम मतलब अब जो वर्ल्ड कप के अंदर रह गई है टीम्स, आपके ख्याल में कौन टफ टाइम देने वाला पाकिस्तान? अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ही टफ टाइम देगा सबको, न्यूजीलैंड को भी देगा इंशाल्लाह, और फाइनल में देखे कोई इंडिया आता है तो उसको भी देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच अब्बास हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है? मोहम्मद जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन सर, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गया। हाँ जी, आज बड़ी खुशी हुई है वो पहुंच गया। अगर ये नेदरलैंड ना करता तो ये मुमकिन ही नहीं था। तो मुझे ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गया? मतलब 1% भी उम्मीद नहीं थी पहले दो मैचेस में, हम लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस को देख लिया, लोगों ने मैच देखना छोड़ दिया था, उनके बस अब पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान बाउंस बैक, दोनों मैचेस अगले वाले जीत लिया पाकिस्तान ने, और उसके बाद सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि पाकिस्तान जो था सेमीफाइनल तक पहुंच गया। हालांकि परफॉर्मेंस ओवरऑल देखे तो वो दैट वॉज नॉट दैट गुड। तो क्या ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान की? एक तो गुड लक भी कह सकते हैं, और दूसरा अल्लाह ताला, यानी कि वो भी गैबी मदद, अल्लाह ताला ने भी गैबी मदद की है। और दूसरे सुबह तो हम उठे तो ये शोर वगैरह था, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में होते हैं ना, तो शोर वगैरह सुन के मैंने जाके देखा तो वो देखा तो नेदरलैंड वगैरह यानी कि वो साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो बाद में पता चला कि उन्होंने इस तरह, फिर जब और सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह देखी हैं तो उधर भी ये आ रहा था कि यानी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल का क्वालिफाई कर सकता है अगर वो, यानी कि आज जिस तरह था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भी टीम क्वालिफाई विन करेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। बस एक किस्म का वो मिरेकल हो गया, लेकिन उम्मीद नहीं थी क्योंकि पिछले दिनों। अच्छा ठीक है जी, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच तो गया है, लेकिन अभी स्टिल हमारे पास वो लोग हैं जो जिन्होंने पहले पाकिस्तान को टफ टाइम दिया। जैसे हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो इंडिया के साथ बड़ा थ्रिलिंग मैच रहा, तो क्या लगता है कि अब जो टीम्स रह गई है सेमीफाइनल्स के अंदर कौन टफ टाइम देने वाली है पाकिस्तान? आज जैसे कि अनाउंसमेंट भी हो गया कि न्यूजीलैंड के साथ है सेमीफाइनल हमारा, तो उम्मीद तो काफी है कि न्यूजीलैंड को हरा सकती है। लेकिन जैसा कि शुरू से देख रहे हैं कि अंपायर की यानी कि अंपायरिंग सही नहीं है, तो अगर वो इस तरह यानी कि आज के मैच में भी हुआ था यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में हुआ, अगर वो अंपायरिंग सही होती है तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा खाफ है। और दूसरा ये है कि जो हमारा बैट्समैन ओपनर सेटअप है वो सही करना चाहिए। यानी अच्छा मुझे ये बताइए कि बाबर और रिजवान जो है वो हर दफा ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर आते हैं, और अगर हम लोग इंडिया की जो है पार्टनरशिप देखें उसके अंदर भी बाबर और रिजवान आए थे लेकिन चल नहीं सके, तो आपके ख्याल में क्या लगता है बाबर आजम क्या क्या टाइम आ गया है या फिर बाबर आजम दोबारा सिधारने वाले सेमीफाइनल्स में? टाइम तो नहीं आया उसे, क्योंकि ना डैरन शमी ने भी कहा कि ये वर्ल्ड कप उसकी यानी कि वो क्लास को आउट नहीं कर सकती, तो होता है यानी कि बैड लक चल रहा होता है, जाहिर बात है अप एंड डाउन जिंदगी का हिस्सा है। तो इसी तरह जवान जिस तरह था पहले, आपके लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था 2021 में उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, वो जिंदगी में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, वो होता है फिर इंशाल्लाह। ट्रॉफी की कितनी उम्मीद है? ट्रॉफी तो जिस तरह अल्लाह ताला मदद कर रहा है, अगर ये हमारे बॉयज मदद यानी कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का फिर से मैच होगा, अगर जो है पाकिस्तान सेमीफाइनल्स को क्वालिफाई कर लेता है और इंडिया भी सेमीफाइनल्स को क्वालिफाई कर लेता है, फाइनल्स को सॉरी क्वालिफाई कर लेता है, तो क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो इतना थ्रिलिंग क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान अब फाइनल्स में जो है इंडिया के सामने आए, और उसी तरह से हम लोगों ने फर्स्ट मैच जो था पाकिस्तान का वो भी इंडिया के साथ था, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो शुरू से रिवायत ही है कि जब भी हमारा पाकिस्तान और इंडिया के साथ ये मैच, आंख भी नहीं बंदा झपकता। हाँ जी बिल्कुल, अब लास्ट जो हमारा मैच हुआ था तो पूरा ग्राउंड फिल, आज यानी कि बाकी मैचों में पूरा ग्राउंड फिल नहीं था, ये इसके बेसिकली यही रीजन हो सकती है, क्योंकि वो हमारा फुल जेट है, कभी भी यानी कि नेक्स्ट ईयर 2023 में वो एशिया कप होना था, फिर उसने यानी कि तांगा खड़ा दिया, तो इसलिए वजह से तो फिर बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ मौजूद थे, आगे बढ़ेगा जी। व्यूअर्स हमने लोगों से की बात जाना, उनका बिना रब तक शेयर भी किया, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप ना दर्द दे इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ जी हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट तमाम वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना और आप लोगों का बहुत ख्याल रखना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।